फ्रेंड्स, माय नेम इज राधिका सुरवे। आई एम वर्किंग एज अ कबड्डी ट्रेनर इन आदर्श प्राइमरी स्कूल बरुड डिस्ट्रिक्ट। आज हम कबड्डी की स्किल में लेंगे एंकल होल्ड। ओके, तो हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं या गेम खेलते हैं तो उससे पहले हमें बॉडी वार्म कर लेनी चाहिए, यानी कि कुछ एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। तो आप अगर ये स्किल करते हो तो उससे पहले आपको थोड़ा सा वार्म अप कर लेना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि एंकल होल्ड कैसे होता है। वो अब हम देखेंगे कि एंकल होल्ड कैसे किया जाता है। तो पहले हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि उसमें पोजीशन कैसी होती है। वो तो एंकल होल्ड में हमारी पोजीशन किस तरह की होती है, तो हमें इस तरह से खड़े रहना है। ओके, एल शेप में आपका ये पैर की पोजीशन आएगी इस तरह से, थोड़ा बैंड रहना है कमर में से भी और नी में से भी, इस तरह से नजर सामने की तरफ होनी चाहिए। ये होगी आपकी एंकल होल्ड की पोजीशन। उसके बाद अब एंकल होल्ड हमें किस तरह से करना है वो हम देखेंगे। तो इसी पोजीशन में हमें पहले तो सिंपल स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। ये खड़े हो आप, मैं यहाँ पे एक बॉटल रख रही हूँ, यानी कि एंकल समझ लेना इस तरह से। और अब हमें इसे होल्ड एंकल की तरफ करना है। ओके, तो हम पहले सिंपल तरीके से करेंगे। ये आपको यहाँ ऐसे ही खड़े खड़े ये इसे ऊपर की तरह हमें खींचना है इस तरीके से, ना कि ये बैक में। और ध्यान रखना है अपने फेस का, अगर आप एंकल होल्ड करते हो तो सामने वाले रेडर के घुटन में आपका फेस ना मतलब ये हो जाए, लग जाए, इसका बहुत ध्यान रखना है। इस तरीके से ये इस तरीके से ये ओके ये आपको कंटिन्यू रखना है। उसके बाद हम देखेंगे उसी तरीके से लेकिन एक स्टेप फॉरवर्ड जाके करेंगे। ओके, तो आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से एक स्टेप आगे जाना है ये, फिर वापस बैक, फिर आगे जाके ये, फिर अब हम देखेंगे कि एंकल होल्ड कैसे करना है। ओके, तो पहले तो हम ये पोजीशन लेंगे इस तरह से, उसके बाद एक स्टेप फॉरवर्ड और ये ओके वापस पोजीशन, वन स्टेप फॉरवर्ड और बैक। ओके, और
इस तरह से आप एंकल होल्ड की प्रैक्टिस घर पे बैठ रह के कर सकते हो। और अगर आप कोई भी स्किल या एक्टिविटी कर रहे हो तो जैसे कि वो करने से पहले आप थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हो, एक्सरसाइज करते हो, वैसे ही कोई भी एक्टिविटी या स्किल करने के बाद आपको कूल डाउन करना भी बहुत ज़रूरी है, उससे आपकी बॉडी रिलैक्स होती है। ओके, थैंक यू।